नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो से अवगत कराने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस सौर मंडल में सभी ग्रह, खास तौर पर पृथ्वी, अपनी ऊर्जा सूर्य देव से ही प्राप्त करती है और उसी प्रकार से हमारी कुंडली में भी नवग्रह होते हैं। इन्हीं नवग्रहों की ऊर्जा के कारण ही हम हमारी जिंदगी में सफल या असफल होते हैं, या फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी या असफलता, यह हमारी कुंडली में मौजूद नवग्रहों पर निर्भर होता है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में मौजूद नवग्रहों को सदैव शांत रखने की और सदैव अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करता रहता है, ताकि वह सभी कुंडली के ग्रह शांत रहें। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए उपायों का यदि आप पूरे विधि विधान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा व साथ ही साथ आपके भाग्य उदय के होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। भाग्य उदय के साथ साथ आपकी किस्मत के सभी सितारे चमकने लगते हैं। इसीलिए प्रत्येक वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए पूरे उपायों को पूर्णता सुने, पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके। वैसे तो धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को याद किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान से और पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से की जाती है, लेकिन माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण यानी श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको हर प्रकार का सौभाग्य व सुख समृद्धि व शांति प्राप्त हो सके, साथ ही धन कमाने की सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सके और जातक पर सदैव ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा की जाती है, वीरवार के दिन गुरु ग्रह और शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। वहीं जिनके कुंडलियों में शनि देव क्रूर होते हैं वे शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करे, उनके कुछ उपाय करे या फिर सूर्य देव की स्थिति को अपनी कुंडली में मजबूत कर ले, तो उसे किसी और चीज की पूजा आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं तो हमारी जिंदगी में उथल पुथल होने लगती है, जिसे देख करके हम घबरा जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें गलती हमारी ही होती है, क्योंकि हम जाने अनजाने कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं जो कि शास्त्रानुसार गलत होती है, जिनका हमें परिणाम विपरीत देखने को मिलता है। चाहे आपने कितनी भी पूजा की हो, अपने ग्रहों को शांत करने का कितना भी प्रयत्न किया हो, लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियों में गलत कदम उठाते हैं या फिर गलत कार्य करते हैं या फिर कुछ खाने पीने की चीजों को जो कि आपको नहीं खानी चाहिए वे खा लेते हैं, तो आपको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूल से भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, क्योंकि अगर आप इन चीजों को खा लेते हैं तो ये आपके घर में, आपकी जिंदगी में दरिद्रता लेकर के आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको किसी ना किसी ग्रह, खास तौर पर सूर्य ग्रह का प्रकोप का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो काम जो आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, काम बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो पहले आप ये कार्य अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, क्योंकि दोस्तों, जब बजरंगबली कृपा करते हैं तो सभी ग्रह अपनी दिशा बदल लेते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। अगर आप अपने दुखों से पीड़ित हैं, अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं, तो आप हनुमान जी के लिए एक बार जय बजरंगबली तो अवश्य लिख सकते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति देरी से उठता है। अगर आपके जीवन में कुछ अनिष्ट हो रहा है या फिर आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रहों की दिशा अनुकूल नहीं है, तो आपको शास्त्रानुसार देर तक नहीं सोना चाहिए, अपितु आपको जल्दी उठ करके सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सभी ग्रह अपनी ऊर्जा सूर्य देव से प्राप्त करते हैं, इसीलिए अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य देव को मजबूत कर लेते हैं, सूर्य ग्रह को मजबूत कर लेते हैं, तो आपके सभी ग्रहों का आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। अगर
आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आप प्रतिदिन ना हो सके तो किसी भी एक दिन खास दिन आप जल्दी उठें, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ करके आप एक तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुमकुम और अक्षत मिला लें और सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें। दोस्तों अक्षत का अर्थ है साबुत चावल, यानी कि जो टूटे फूटे ना हो, यानी कि खंडित ना हो। ऐसे चावल आपको लोटे में डाल लेने हैं और एक चुटकी कुमकुम, हो सके तो थोड़े से पुष्प और गंगा जल पानी में मिला करके आपको तांबे के लोटे में भर लें और इस प्रकार के लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ दें और साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों अगर आपके जीवन में कुछ भी मनचाह नहीं हो रहा है, आपकी कभी भी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, घर में धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो आप एक कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग देखा गया है यही गलती करते हैं। मंगलवार, वीरवार व शनिवार के दिन कभी भी बाल ना कटवाएं, वे स्त्रियां अपने बालों को कभी भी ना धोएं। जिन घरों में भी इन वारों पर यानी कि मंगलवार, वीरवार व शनिवार के दिन स्त्रियां बाल धोती हैं, उन घरों में कंगाली ही और दरिद्रता अपना वास कर लेती है। वहीं यदि पुरुष मंगलवार, वीरवार व शनिवार के दिन अपने दाढ़ी मूछ कटवाते हैं या फिर बाल कटवाते हैं तो ऐसे घरों में भी धन आने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप इसे अभी बंद करें। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा था कि हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि जो आपको खानी नहीं चाहिए, तो अब हम आपको वही बताने जा रहे हैं। दोस्तों आदि काल से ही आपने देखा होगा कि किसी भी भगवान को, संत महापुरुष व योगी पुरुष को कभी भी मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जब उसके दिन ठीक हो जाए तो वह खा सकता है, लेकिन जब तक दिन खराब चले तब तक आपको मसूर की दाल से परहेज करना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से मसूर की दाल को नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की श्रेणी में रखा गया है, उसी प्रकार से शास्त्रों में तामसिक भोजन को भी वर्जित बताया गया है। यानी कि आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं या फिर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, तो जब तक कि आप उसका पूर्ण उपाय करके आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक ना कर ले, तब तक आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन व अदरक, इस प्रकार के भोजन को तामसिक भोजन कहा जाता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको इस प्रकार के भोजन का त्याग कर देना चाहिए, तब तक कि जब तक आपका जीवन में सब कुछ सुधर ना जाए। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ग्रह अपना विपरीत प्रभाव दिखा रहा हो तो उस स्थिति में मांस व मदिरा का सेवन करना वर्जित बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति और भी ज्यादा शीघ्र कंगाली का सामना करते हैं और दरिद्रता उनके घर में वास कर लेती है। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव या फिर कोई अन्य ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दिखा रहा है तो आपको मांस मदिरा आदि का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी दी, इसमें हमने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही आपको हमने बताया कि आपको किन प्रकार की चीजों को खाने का परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय बजरंगबली।